लोगों के उसमें ये हम कामना करते हैं। तो इसी विचार फोकस करें और इसी विचार के साथ हम आज का करंट को भी हम याद करते हैं, वो हमेशा स्मृति शेष रहे लोगों के उसमें ये हम कामना करते हैं। तो इसी विचार पर हम शुरू करते हैं। आज का दिन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी है, पर ये सब मेरे को लगता है आपको करियर के बाद सोचना चाहिए ये सब चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि आपसे पढ़ाई पर फोकस करें और इसी विचार के साथ हम आज का करंट अफेयर का वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्विज हर बार की तरह 20 क्वेश्चन है क्विज में, और क्विज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा, मैंने कल वीडियो परसों वीडियो अपलोड किया था बेस्ट 300 पार्ट वन, तो उसमें ज्यादा बच्चों का जो स्कोर है वो 95 से लेकर 99% तक बच्चों का स्कोर आ रहा है और एक दो के तो पूरा 100%। और ये सिर्फ क्विज की बदौलत है, क्योंकि उसमें जितना रिवीजन आपका जाता है तो फिर जो बेस्ट 300 क्वेश्चन है वो तो फिर बहुत ही ऐसा लगता है आसान, और वो आसान नहीं है, वो आसान इसलिए है कि डेली जो क्विज है वो आपको एक बहुत ज्यादा हाई लेवल के लिए तैयार कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है, यानी करेंसी क्या है, कौन सी मुद्रा चलती है तुर्कमेनिस्तान में। प्रहलाद जोशी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी लोकसभा चुनाव क्षेत्र क्या है। प्रहलाद जोशी, भारत के किस शहर में आपको मिलेगा बारावती स्टेडियम, वैसे क्रिकेट मैच होते हैं यहाँ पे, मल्टीपर्पज स्टेडियम है लेकिन क्रिकेट मैच के लिए मशहूर है, बारावती स्टेडियम कहाँ है। अटल पेंशन योजना, इसकी सबसे कम और सबसे ज्यादा उम्र सीमा क्या है, मतलब कितने साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, ज्यादा और कम दोनों लिमिट आपको बतानी है अटल पेंशन योजना के लिए। दमनगंगा और पिंजल नदी, इनको आपस में जोड़ा जा रहा है, तो कौन से दो राज्य हैं जो इस योजना का हिस्सा है, दमनगंगा और पिंजल नदी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे, ये किस दिन मनाया जाता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, ह्यूमन राइट्स डे कब होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भारत के किस राज्य में है, काफी उत्कृष्ट संस्थान है, काफी एग्जाम में आता है। अरिंजिता दे, ये कौन सा खेल खेलती है, अरिंजिता दे, ये सेम क्वेश्चन एसबीआई क्लब मेंस में आया था, अरिंजिता दे कौन सा खेल खेलती है, अरिंजिता दे। दिलीप संघवी, ये कौन सी कंपनी के चेयरमैन है, ये भारत के 10 सबसे अमीर लोगों में इनकी गिनती आती है दिलीप संघवी, तो ये कौन सी कंपनी के चेयरमैन है, कौन सी कंपनी के फाउंडर है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुख्यालय कहां पे है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पौधा सर्वेक्षण करता है, कितने पौधे खोजे गए नए और कितने पुराने पौधे हैं उन सबकी सूची रखता है। एशियाई खेल 2022, ये कौन से शहर में होंगे, एशियन गेम्स 2022। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में आपको मिलेंगे लिविंग रूट ब्रिजेस, लिविंग रूट ब्रिजेस मतलब होता है पेड़ों की जड़ें वो आपस में इतनी मजबूत हो जाती हैं एक दूसरे में, वो जाती हैं इंटरट्विंगल इंटरट्वाइन हो जाती हैं, उलझ जाती हैं एक दूसरे में, और उन पे लोग चलते हैं, ये पुल बना लेती हैं नदियों के ऊपर और इतने मजबूत होते हैं कि इन पे लोग चल भी पाते हैं, कुछ लोग साइकिल चला के भी इन पे से गुजर जाते हैं, इनको बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिजेस। तो ये आपको कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलेंगे। नेशनल हैंडलूम डे, ये कब मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, संयुक्त राष्ट्र जो है उसका शरणार्थियों के लिए जो संस्था है जिसे बोलते हैं यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। एलेक्स मॉर्गन, ये फुटबॉल खिलाड़ी है कौन से कंट्री के, महिला है एलेक्स मॉर्गन और ये दुनिया की सबसे अमीर खिलाड़ियों में से है, तो इसलिए न्यूज में आई थी एलेक्स मॉर्गन, कौन से देश के लिए फुटबॉल खेलती है एलेक्स मॉर्गन। सिंगफन वन्य अभ्यारण्य, ये आपको भारत के कौन से राज्य में मिलेगा, सिंगफन वन्य अभ्यारण्य, इसको हाथियों के लिए रिजर्व बना दिया गया था 2 साल पहले। ग्राहम रीड, ये कौन सी भारतीय टीम के कोच हैं, कौन से खेल की, जैसे कबड्डी या क्रिकेट जो भी, ग्राहम रीड। 65 किलोग्राम वर्ग में 2019 तबलीसी ग्रां प्री पहलवानी प्रतियोगिता किसने जीती, स्वर्ण पदक किसने जीता था 65 किलोग्राम कैटेगरी में तबलीसी ग्रां प्री, और तबलीसी जो देश है ये जॉर्जिया की राजधानी है तबलीसी। डिस्कवर इंडिया स्कीम भारत की कौन सी एयरलाइन ने शुरू करी, भारत की कौन सी एयरलाइन ने डिस्कवर इंडिया स्कीम को शुरू करा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगा दिए, तो ये किस उपलक्ष्य में लगाए थे, क्या था उस दिन, उस दिन 77वीं एनिवर्सरी थी, 77वीं जयंती थी किस चीज की, जिस दिन 22 करोड़ पौधे लगाए गए थे, क्या था विशेष था उस दिन। तो ये था आज का हमारा क्विज, चलो आंसर बताता हूं। तुर्कमेनिस्तान में जो मुद्रा चलती है उसको कहा जाता है मन्नत, मन्नत। चलो कमेंट में लिख के बताओ, मन्नत भारत के एक फिल्म सुपरस्टार है, उनके घर को बोलते हैं, किसके घर को बोलते हैं मन्नत, कमेंट में लिख के बताओ। प्रहलाद जोशी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है धारवाड़, धारवाड़, ये कोयला मंत्री हैं, संसदीय मामलों के मंत्री हैं, माइनिंग खनन के मंत्री हैं, उनका अतिरिक्त प्रभार इनके पास है। बारावती स्टेडियम जो है ये मिलेगा आपको कटक में, कटक, कटक जो है महानदी के किनारे है, महानदी के किनारे। चलो कमेंट में लिख के बताओ, अभी अभी भारत का कौन सा राज्य है जिसने एक गाना बनाया है, एक गीत बनाया है जिसका नाम है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, ये किस राज्य का राजकीय गीत डिक्लेयर किया गया। तो बारावती स्टेडियम में क्रिकेट मैच भी होते हैं कटक में। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 उम्र जो है उसके जो लोग हैं वो ले सकते हैं, इसे पंजीकरण करा सकते हैं 18 से 40, 18 से कम नहीं, 40 से ज्यादा नहीं, और पेंशन आपको मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब। दमन गंगा नदी को जोड़ा जा रहा है पिंजल नदी के साथ, ये प्रोजेक्ट चल रहा है गुजरात और महाराष्ट्र में, तो जो दो राज्य इसमें इन्वॉल्व है वो है गुजरात और महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है हर साल 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर। राष्ट्रीय पोषण संस्थान मिलेगा हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। अरिंजिता दे खेलती है कराटे, ये कराटे करती हैं, काफी सारे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी जीती हैं कराटे में। दिलीप संघवी जिस कंपनी के चेयरमैन है वो है सन फार्मा, दवाइयों की कंपनी है, दवाइयां बनाने वाली कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल, दिलीप संघवी। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता में, यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। एशियन गेम्स ये हो रहे हैं चीन के हंगझो शहर में, शहर का नाम है हंगझो, HANGZHOU, और ये शहर आपको मिलेगा चाइना में। जिस उत्तर पूर्वी राज्य में लिविंग रोड ब्रिजेस मिलते हैं वो है मेघालय, मेघालय। नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को, जब हाथ से कपड़ा बनाते हैं उसे बोलते हैं हैंडलूम, जब बिजली से कपड़ा बनाते हैं उसे बोलते हैं पावर लूम। UNHCR का हेडक्वार्टर है जनेवा, जनेवा है स्विट्जरलैंड में। एलेक्स मॉर्गन फुटबॉल खिलाड़ी हैं अमेरिका की, महिला महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं अमेरिका की। सिंगफन ये हाथियों का रिजर्व भी बना था और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये मिलेगा आपको नागालैंड में, नागालैंड। ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं, पुरुष हॉकी टीम के, महिला हॉकी टीम के कोच हैं जोआर्ड मरीज ने, जोआर्ड मरीज ने, और पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड। 65 किलोग्राम वर्ग में तबलीसी ग्रां प्री रेसलिंग टूर्नामेंट ये जीता बजरंग पुनिया ने, बजरंग पुनिया। डिस्कवर इंडिया स्कीम स्टार्ट करी है हमारी राष्ट्रीय वाहक इंडिया, एयर इंडिया ने, एयर इंडिया।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक दिन में 22 करोड़ पेड़ लगाए थे, क्या था उस दिन? उस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ थी। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ थी। चलिए हम आज की घंटा फिर शुरू करते हैं। जो भी आपका स्कोर है आप चाहे तो कमेंट लिख सकते हैं, वरना आप अभ्यास करिए, कोई ऐसा आपको उसकी नुमाइश करने की जरूरत नहीं। अगर आपका स्कोर ज्यादा आता है कम आता है, आप आराम से बस पढ़िए इसे। चलो विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस जो है ये 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और आपको बता दूं इस बार इसका थीम क्या था, इसका थीम था रेडियो एंड डाइवर्सिटी, रेडियो एंड डाइवर्सिटी, ये था इसका थीम। आज भी रेडियो दुनिया के कई एरिया हैं जहाँ पे रेडियो से ही काम चलता है। इनफैक्ट भारत की सेना भी अगर बात करती है तो रेडियो का इस्तेमाल करती है, तो ऐसा नहीं है कि रेडियो बहुत पुराना हो गया है, कैनूसी हो गया, ऐसा नहीं है। रेडियो का आज भी काफी हमारे जीवन में उपयोग है। रेडियो एंड डाइवर्सिटी, चलो एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं, कोई बता पाएगा। एक थीम है, ठीक है, जैसे रेडियो एंड डाइवर्सिटी है, ऐसे ही एक थीम है डैश एंड बायोडाइवर्सिटी। डैश यहाँ पे आपको रिक्त मैंने छोड़ा, ये रिक्त, ठीक है, डैश एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसको भरिए। यहाँ पे क्या शब्द आएगा और ये किस चीज का थीम है, ये कोई कोई बता पाएगा। और एक दिन पहले 12 फरवरी को चार्ल्स डार्विन, बहुत महान महानतम दुनिया के वैज्ञानिकों में से चार्ल्स डार्विन, इनकी याद में डार्विन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन चार्ल्स डार्विन का बर्थडे होता है 12 फरवरी। और चार्ल्स डार्विन जो थे ये ब्रिटेन के थे, लंदन इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, वैसे तो कई किताबें लिखी थी, लेकिन एक किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएल कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, तो आपको बताता हूं, ये एक जहाज पे बैठे और इन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा करी, ठीक है। उस जहाज का नाम था एचएमएस बीगल, एचएमएस बीगल। और इन्होंने किताब लिखी है कि एचएमएस बीगल पे जब मैंने पूरी दुनिया की यात्रा करी तो मैंने क्या क्या देखा, कहीं पे गए इन्होंने बड़े बड़े कछुए देखे गैलापागोस आइलैंड पे, कहीं पे गए कुछ देखा, कहीं पे कुछ देखा। और इन्होंने अपनी थ्योरीज दी, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो चार्ल्स डार्विन बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। किसे कानून और न्याय मंत्रालय में न्याय विभाग का सचिव बनाया गया, यानी हमारा जस्टिस सेक्रेटरी कौन बनाए? इनका नाम है वरुण मित्रा, वरुण मित्रा, ये है हमारे न्याय विभाग के सचिव। चलो ये बताओ मुझे कि अतनु चक्रवर्ती ये किस चीज के सचिव हैं? अतनु चक्रवर्ती कमेंट लिख देता हूं। पवन हंस हेलीकॉप्टर बनाती है, सरकारी कंपनी है पवन हंस, इसके चेयरमैन कौन बने? पवन हंस के चेयरमैन बने हैं संजीव राजदान, संजीव राजदान। और आपको बता दूं अभी अभी भारत की सेना जो है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बना रही है, ये चेतक और चीता इन हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे। चेतक और चीता पुराने हो गए हैं तो अब हम एलयूएच बना रहे हैं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। और हेलीकॉप्टर समिट सबसे पहला हुआ था देहरादून में, देहरादून में, और देहरादून से लेकर गोचर तक उत्तराखंड का पहला हेलीकॉप्टर का रास्ता बना है देहरादून से गोचर। फ्लिपकार्ट कंपनी ने किस राज्य के साथ अनुबंध करा है? इस राज्य के जो कारीगर हैं, जो आर्टिजान हैं, वो जो भी उत्पाद बनाते हैं वो फ्लिपकार्ट पर उसे बेच सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने ये डील करी है असम की सरकार के साथ, असम की सरकार के साथ करी है। और असम की सरकार ने अभिनंदन योजना भी शुरू करी थी, जिसमें शिक्षा पर मिलने वाले ऋण पर भारी छूट मिलती है, एजुकेशन लोन सब्सिडी मिलती है। और एक अरुंधति योजना थी जिसमें 10 तोला नहीं 1 तोला यानी 10 ग्राम जो वधु है उन्हें सोना मिलता है। असम में डिटेंशन सेंटर बन रहा है अवैध शरणार्थियों के लिए गोलपारा में, गोलपारा जिले में। और फ्लिपकार्ट कंपनी शुरू करी थी सचिन और बिनी बंसल ने, बाद में इसको बेच दिया था वॉलमार्ट को, राइट। और असम के दो डांस भी हैं, एक तो है बिहू और एक है सतरिया। मंदिर भी है गुवाहाटी में, कामाख्या टेम्पल भी आता है एग्जाम में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष कौन बने? भारत का जो चेस एसोसिएशन है उसके जो हेड बने हैं वो हैं अजय पटेल, अजय पटेल बने हैं अध्यक्ष। और भरत सिंह चौहान बने हैं सचिव, किसके? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के। दुबई में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाला पहला नेत्रहीन एथलीट कौन है? आयरन मैन जो है इसमें तीन चीजें करवाते हैं आपसे, जो आयरन मैन होती है इसमें तीन चीजें करवाते हैं, क्या करवाते हैं? एक तो आपको इसमें पड़ता है तैरना, ठीक है, दूसरा साइकिल चलानी पड़ती है। मैं रिपीट करता हूँ, आयरन मैन में आपसे तीन चीजें करवाते हैं, दो मैंने आपको बता दी, तीसरी आप मुझे बताओगे कमेंट करके। एक तो आपसे साइकिल चलाते हैं, एक आपसे तैरवाते हैं, तीसरी चीज क्या करवाते हैं? तो इसको बोलते हैं आयरन मैन ट्रायथलॉन, ट्राई का मतलब होता है टीआरआई का मतलब होता है तीन। तो एक नेत्रहीन व्यक्ति ने पूरा कर दिया, इसका नाम है निकेत दलाल, निकेत दलाल। सरदार पटेल स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, इसका उद्घाटन कौन करेगा? इसका उद्घाटन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। देखो डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो ह्यूस्टन में हुआ था हाउडी मोदी। हाउडी मोदी का मतलब होता है हाउ आर यू मोदी, यानी मोदी आप कैसे हो, हाउडी मतलब हाउ आर यू आप कैसे हो। अब इसी का इवेंट जो गुजरात में होगा उसका नाम है केम छो ट्रंप, केम छो ट्रंप, केम छो मतलब हाउ आर यू, जो जैसे हाउडी था उसी तरह से हाउ आर यू ट्रंप आप कैसे हो, केम छो ट्रंप इस इवेंट का नाम है। और ये जो स्टेडियम है ये है मोटेरा, मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है। इस स्टेडियम का नाम भी पढ़ दिया गया, अब इसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम। इसकी क्षमता है 110,000, यानी कि ईडन गार्डन में 100,000 लोग बैठ सकते हैं, कोलकाता में जो स्टेडियम ईडन गार्डन, परंतु इसमें 110,000 लोग बैठ सकते हैं, उससे भी ज्यादा। और यहाँ पे एक बात और याद रखिए कि गुजरात में एक क्रिकेट स्टेडियम और बन रहा है जिसमें छत होगी। ये भारत का पहला स्टेडियम है क्रिकेट का जिसमें छत बनाई जाएगी। छत बनाने का फायदा है कि अगर किसी दिन बारिश हो जाती है तो मैच को कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, अबैंडन नहीं करना पड़ेगा। ये स्टेडियम बन रहा है राजकोट में, तो राजकोट स्टेडियम भारत का पहला स्टेडियम है जिसमें छत बनाई जा रही है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड इमारा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये इमारा ब्रांड है क्या? जो परंपरागत कपड़े होते हैं, जैसे मान्यवर आपने सुना होगा, विराट कोहली की एडवर्टाइज करते हैं मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर है। तो मान्यवर जो है, जिसमें मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, फोटो थी मेरे पास, चलो फोटो नहीं है, मतलब जो परंपरागत जैसे सलवार कुर्ता या जो इस टाइप के कपड़े होते हैं साड़ी वगैरह, उसका ब्रांड है इमारा, परंपरागत कपड़ों का। एथनिक वियर बोलते हैं अंग्रेजी में से, एथनिक वियर जैसे धोती कुर्ता या पजामा, कुर्ता पजामा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो ब्रांड इमारा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान, करीना कपूर खान। और यहाँ पे आपको ये बता दूं कि मान्यवर तो पुरुषों का ब्रांड है, ठीक है, मान्यवर तो पुरुषों का ब्रांड है, पर मान्यवर का ही एक ब्रांड है जो महिलाओं का है, जिसका नाम एम से शुरू होता है और वाई पे खत्म होता है। क्या मुझे बता सकते हो किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ? किस तारीख से देश में बेचे जाने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों को ड्रग्स के रूप में माना जाएगा? क्योंकि इनको रेगुलेट करना है, इनका नियमन जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर अपनी मर्जी से जो चाहे वो सीटी स्कैन के उपकरण है, चाहे वो हृदय में स्टंट डालना है, कुछ भी है, उसके दाम लगाते थे, गरीब लोगों को प्रभाव पड़ता था। तो अब से जितने भी चिकित्सा उपकरण है उनको ड्रग्स के रूप में माना जाएगा, जिससे इनका नियमन हो सके। ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020। राजीव रंजन को किस राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया? ये एडवोकेट जनरल होता कौन है?
अगर किसी राज्य की सरकार को कोर्ट में कोई वकील चाहिए जो राज्य की सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, राज्य की सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, तो वो होगा एडवोकेट जनरल। अगर केंद्र सरकार को कोई चाहिए वकील जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो होगा अटॉर्नी जनरल। समझ गए? यानी अटॉर्नी जनरल जो काम केंद्र में करता है, एडवोकेट जनरल वो काम राज्य में करता है। तो ये राजीव रंजन कौन से राज्य के बने एडवोकेट जनरल? ये है झारखंड। झारखंड की सोहराई और कोहबर, ये दो कलाकृतियां हैं जिन्हें भौगोलिक संकेतक मिला था। ये हजारीबाग की हैं, सोहराई और कोहबर। और झारखंड की पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, ये भाजपा में समा गई है। ये पार्टी बनाई थी बाबूलाल मरांडी ने। किस राज्य की सरकार ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा करी है? अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह होगा महाराष्ट्र सरकार का, यानी सैटरडे संडे ऑफ। तो 5 दिन काम करना होगा, परंतु हर रोज 45 मिनट ज्यादा काम करना होगा, जिससे इसको कंपनसेट किया जा सके। यानी कि मंडे टू फ्राइडे 45 मिनट ज्यादा आप काम करेंगे और सैटरडे आपको ऑफ मिल जाएगा। तो 5 दिन का सप्ताह होगा आपसे महाराष्ट्र में। क्या ऐसा नहीं है महाराष्ट्र पहला राज्य जिसने कराया? कई सारे राज्य हैं, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, कई सारे राज्यों में 5 दिन का सप्ताह सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वर्ली, और ये पर्यटन मंत्री हैं वहाँ के। और इन्होंने मुंबई को अब दिन रात खुले रखने का आदेश भी दे दिया। मुंबई में अब 24/7 मुंबई में दुकानें खुल सकती हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किसका जन्मदिन होता है? राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है। इन्हें बोलते थे कोकिला, भारत की कोकिला। कोकिला को अंग्रेजी बोलते हैं नाइटिंगेल। क्यों बोलते थे? क्योंकि इनकी लिखी कविताएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, सरोजिनी नायडू। तो याद रखिए कोकिला इन्हें भारत की कहा जाता था। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU जो लंदन से ऑपरेट करती है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हेडक्वार्टर है EIU का, इन्होंने कहा है कि वैश्विक ग्रोथ, वैश्विक जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, पूरी दुनिया में ग्रोथ इतनी होगी। पहले कह रहे थे ये 2.3%, अब कम कर दिया है 2.2%। यानी कि जो अगले वाला ये वाला साल है 2020, इसमें वैश्विक मंदी रहने का अनुमान लगाया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन है? सबसे बुढ़ा व्यक्ति दुनिया का जो अभी तक जीवित है, इनकी उम्र है 112 साल और 344 दिन। मतलब 344 दिन, ये 12 फरवरी को थी, तो आज तो मैं 14 तारीख को वीडियो ला रहा हूँ, तो अब इनकी उम्र हो गई है 112 साल 346 दिन। ये है जापान के व्यक्ति चितेत्सु वतानाबे। चितेत्सु वतानाबे एक जापान के व्यक्ति और याद रखिए जो जिनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। ये एशियाई विकास बैंक के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं। और बाकी आप याद रखने को तो बहुत व्यक्ति याद रखने को, केंटो मोमोटा है जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, नाओमी ओसाका है जो टेनिस खिलाड़ी है, और शिंजो आबे हैं, और वहाँ के राजा नारुहितो हैं। तो याद रखने को तो बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किस दिवंगत केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा जाएगा? तो भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पे जो है, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। एक समय था जब दिल्ली में भाजपा बहुत लंबे समय तक राज करती थी, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, और आज मतलब 8 सीट पर सिमट गई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि दिल्ली में 70 सीटें हैं और रिजल्ट आया है 62-8। तो सुषमा स्वराज के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम रखा जाएगा। और एक बात और, एक चीज और है जिसका नाम रखा जाएगा, वो है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, यानी विदेश सेवा संस्थान। विदेश सेवा संस्थान का नाम भी सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा। अभी हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। किस राज्य ने अंगाफो हुम्बा नाम की योजना शुरू करी है? इसका मतलब होता है चावल की खेती जल्दी करेंगे, यानी अर्ली पैडी क्रॉप। ये योजना शुरू करी है मणिपुर की सरकार ने। मणिपुर की राजधानी इंफाल है, लोकटक झील है, यहाँ पे बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिपुर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय जहाज को, नौसेना का जहाज है, इसको राष्ट्रपति के रंग यानी प्रेसिडेंट्स कलर ध्वज प्रदान करा? प्रेसिडेंट कलर नेवल अकेडमी को मिला, गुजरात पुलिस को मिला, और अब मिला है INS शिवाजी को। ये जहाज कहाँ रखा गया? ये लोनावला में रखा गया। लोनावला क्या बता सकते हैं? लोनावला में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था अभी? किस चीज का कॉन्फ्रेंस हुआ था 2 महीने पहले लोनावला में? क्या हुआ था, कौन सा इवेंट हुआ था, कमेंट्स में लिख के बताइए। ये किताब किसने लिखी है? द थिन माइंड मैप बुक। थिन माइंड मैप को लिखा है अभी धर्मेंद्र राय ने। किस भारतीय मूल के राजनेता को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ब्रिटेन में वित्त मंत्री को हम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? उसके लिए एक विशेष शब्द होता है, उसे कहा जाता है चांसलर टू द एक्सचेकर। चांसलर, ये जर्मनी वाला चांसलर नहीं है, चांसलर टू द एक्सचेकर, ये बोला जाता है वहां पे वित्त मंत्री को। तो वित्त मंत्री बने हैं ऋषि सुनाक। और कौन है ये? इंफोसिस कंपनी के को फाउंडर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, ये उनके दामाद हैं, ठीक है। तो ऋषि सुनाक जो है ये नारायण मूर्ति के सन इन लॉ है, और ये वहां पे वित्त मंत्री बन गए ब्रिटेन के। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, ब्रिटेन की रक्षा मंत्री भी भारतीय हैं, इनका नाम है प्रीति पटेल। देखो जब मैं बोलता हूँ भारतीय मतलब ये नहीं कि भारतीय हैं, अगर भारतीय होते तो वहां पे बने नहीं पाते, जन्म उस देश में रहना जरूरी होता है, ठीक है। भारतीय मतलब भारतीय मूल के हैं। तो प्रीति पटेल जो है ये वहां की रक्षा मंत्री है। अब रक्षा मंत्री को भी वहां पे रक्षा मंत्री नहीं बोलते, वहां पे उसको रक्षा सचिव बोलते हैं। लेकिन फर्क ये है, भारत में रक्षा सचिव जो होता है वो रक्षा मंत्री के नीचे काम करता है, क्योंकि रक्षा सचिव IAS ऑफिसर होता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होता है, और मंत्री तो मंत्री है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां रक्षा सचिव बोला जाता है रक्षा मंत्री को। तो प्रीति पटेल यानी ब्रिटेन का वित्त मंत्री भी और रक्षा मंत्री भी दोनों भारत के। तो रुचि घनश्याम का काम आसान हो जाएगा वहां पे। किस राज्य ने बीमारियों और कम तापमान के प्रतिरोधी रबड़ की नई किस्म जारी करी है? यानी इस राज्य ने एक ऐसा रबड़ बनाया है जिसमें कीटाणु नहीं लगेंगे, जो कई तरह के जो रोग हो जाते हैं रबड़ को लेकर वो नहीं होंगे, और कम तापमान में भी ये रबड़ बना रहेगा, अपनी ऊर्जा में, अपनी रोबस्टनेस में बना रहेगा, मजबूत रहेगा। ये रबड़ बनाया है त्रिपुरा की सरकार ने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। त्रिपुरा में आपको मिलेगा रोवा, गुमती और कृष्णा वन्य विहार, और दो नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, एक तो है क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क और एक राजबरी राष्ट्रीय उद्यान। और त्रिपुरा में बस यही, हाँ, नीर महल है, रुद्रसागर झील है, वो सब तो कहता है आपको। वेंडल रॉड्रिक्स का निधन हो गया, ये कौन थे? ये फैशन डिजाइनर थे, फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स गोवा से थे। इनकी कम उम्र में काफी 59 के थे और इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो ये हमारा वीडियो 14 फरवरी का मिलते हैं।